हमारे मान लीजिए प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं जी नेक्स्ट मीटर सर। नाइन ठीक है, और क्रिएट कर लेते हैं प्रोजेक्ट। अच्छा तो यहाँ पर मेरे पास ये सिंपल है ना, वो ब्रैकेट ओपन हो गया, ब्रैकेट मैंने ओपन कर लिए और उसके अंदर मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, लेट्स से अब नेस्टेड इफ के लिए आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। अच्छा नेस्टेड इफ के अंदर क्या होता है, मैं आपको दोबारा एक मतलब रिवाइज भी कराता हूँ। नेस्टेड इफ के अंदर होता यह है कि हम एक इफ में यानी एक इफ की कंडीशन में मजीद एक और इफ की कंडीशन को स्टार्ट करते हैं। कैसे कि अगर आपसे आमतौर पर अगर देखा जाए तो इफ की कंडीशन क्या होती है कि मैं अगर कहूँ कि भाई मैं आप लोगों से कहूँ कि जी अगर मैं सब फर्ज करूँ मैं आप क्लास स्टूडेंट से पूछूँ कि जी अगर तो आपके पास ये चीज़ है या मिसाल है हम आप तक आए ठीक है और हमने आपसे पूछा जी अगर तो आप 12 ईयर्स के हैं, अगर तो आप 12 ईयर्स से अबव हैं ठीक है, आपकी एज 12 ईयर्स या उससे अबव है तो हम आपको एडमिशन दे देंगे। हालांकि बच्चे से छोटे भी आते हैं, इंटरेस्ट तो होना चाहिए और एक सीखने के जज्बे में होना चाहिए तो आते हैं। रिजल्ट से मैं किसी स्कूल की या बैंक की मिसाल दूँ तो बैंक कहता है कि अगर आपकी एज 18 साल से अबव है तो आप बैंक में आ जाएं। ठीक है, अगर आपकी एज 18 साल से अबव है तो आपने कहा हाँ भाई मेरी एज 18 साल से अबव है, फिर बैंक कहता है आपको क्या चाहिए, अगर आपने अकाउंट सेलेक्ट किया करंट ठीक है तो आपको फ्री ऑनलाइन बैंकिंग मिलेगी उसमें, यानी जो इंटरनेट बैंकिंग की होती है फ्री ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग मिलेगी उसके साथ आपको फ्री आपको चेकबुक मिलेगी ठीक है, एटीएम डेबिट कार्ड मिलेगा आपको, उसके अलावा आपको मोबाइल एसएमएस सर्विस मिलेगी। अगर आप लेते हैं सेविंग अकाउंट तो उसमें आपको सारी चीज़ें पेड मिलेंगी, पेड ऑनलाइन बैंकिंग, पेड चेकबुक, पेड सर्विस, पेड एटीएम कार्ड ठीक है। अगर आप अकाउंट की कोई और टाइप लेते हैं तो फिर उसके अंदर आपको अलग सर्विस मिलेगी। यानी पहले आपसे पूछा कि अकाउंट आप कौन सा ले रहे हैं, आप 18 एज के हैं या नहीं, अगर 18 एज से हैं तो फिर आप ये बताएं कि आप अकाउंट कौन सा खुलवा रहे हैं। अगर आप ये खुलवा रहे हैं तो आपको इस तरह की सर्विसेज मिलेंगी, अगर आप दूसरी टाइप खुलवा रहे हैं तो आपको दूसरी टाइप की सर्विसेज मिलेंगी, यानी सेविंग्स खुलवा रहे हैं तो आपको फिर देन सेविंग्स वाली सर्विसेज मिलेंगी, देन अगर आप एक और कोई बिजनेस या करंट प्लस बिजनेस अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको वहाँ पे अलग टाइप की सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, तो ये हुआ क्या कि इसने आपसे एक कंडीशन से पूछी, जब एक कंडीशन आप सेटिस्फाई कर रहे हैं ना तो ये क्या इसने क्या किया, प्रोग्राम ने मजीद उसी कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगा के और पूछी। ठीक है, तो ये क्या बन गई, ये बन गई फिर हमारे पास नेस्टेड इफ एक तरह से। ठीक है, यानी एक तरह से यही ये बेसिकली हमारे पास नेस्टेड इफ क्या आता है। सही है, ऐसा करते हैं ये बैंक वाली की जो सिचुएशन है ना इसको ट्राई करते हैं अपने अपने वर्क के अंदर, इसको अपने फ्लो के अंदर ट्राई करते हैं। ठीक है, कैसे ट्राई करते हैं जी अपने फ्लो को, इसको मैंने कहा कि भाई अब मैं एज पूछ रहा हूँ यूजर की। ठीक है, तो टीचर और एज में लेंगे यूजर इनपुट। अब देखो इशू यह है कि ये एरर क्यों आ रहा है, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो एज है ना ये है इंटीजर टाइप और इसकी इक्वेशन इसके इक्वल के ऊपर ये जो टाइप ये जो लिखा हुआ है ना पे कंसोल डॉट रीड लाइन ये है स्ट्रिंग टाइप, यानी ये कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको किस चीज़ में इंटीजर के अंदर कि ये कोई इंटीजर एक्सेप्ट करे। कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको देखना, अभी यहाँ पे लिख दो
कन्वर्ट यानी कन्वर्ट करो डॉट टू इंट 32, इंट 32 में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और ये इतना हिस्सा जो मैंने अब एक सेट किया है, सेलेक्ट करो और इस ब्रैकेट में रखो और खत्म, ये कन्वर्ट भी हो गया, ठीक है। और यूजर इनपुट भी आ गया है इसमें। अब आपने यहाँ पे क्या किया यार, एक अच्छी फॉर्म में लिख दो कि भाई एंटर योर एज, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि अगर यूजर की एज जो है वो 18 से अबव होगी तो फिर मैंने कहा इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ओके यू आर अबव 18, यहाँ पे यू कर दो, ठीक है। मैंने कहा भाई बिल्कुल ऐसा है कि आप अकाउंट दे रखता हो ओपन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर मैंने उसके नीचे एक और स्टेप पूछ लिया कि अगर उसके अकाउंट की टाइप कौन सी होनी चाहिए, तो मैं अकाउंट की टाइप में यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल अकाउंट की टाइप का भी ले लेता हूँ, अकाउंट टाइप, और ये होगी स्ट्रिंग में, ठीक है। अब जाहिर है मुझे इसको यहाँ पे इनपुट लेना पड़ेगा, अकाउंट टाइप इक्वल्स टू ठीक है, which account type do you want, ठीक है। मैं पूछ लेता हूँ उससे, डॉट ताकि लोअर केस में हो जाए सारा टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कहूँगा, इफ अकाउंट टाइप इज इक्वल इक्वल टू किसके बराबर हो, करंट, अगर अकाउंट टाइप हो करंट के बराबर, ठीक है, तो एक इफ के अंदर मैंने एक और इफ स्टार्ट किया, ठीक है। और मैं यहाँ पे सब बातें कर रहा हूँ कि जी मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर अकाउंट टाइप हो करंट के बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो मैं ऐसे कहूंगा कि जी इन करेंट अकाउंट ऑनलाइन बैंकिंग ठीक है, ये तो हो गया एक इफ जो कि मैं एक ऑनलाइन बैंकिंग यानी एक करंट टाइप के अंदर कर रहा हूँ। अब लेट से यहीं पे कहूं कि यार अगर तो
अकाउंट आए, तो सेविंग्स, अगेन सेविंग्स टाइप का होगा। अच्छा यहाँ पे सब कुछ पेड होगा, सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट ठीक है, सब लोग कनेक्टेड हैं। सब कुछ पेड होता है यहाँ पे। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ क्या किया, एक ही टाइप की एज का मैंने पूछा कि भाई अगर आपकी एज 18 से अबव है ना तो आप अकाउंट तो खोल सकते हो, लेकिन आपको कौन सा अकाउंट खोलना है, करंट अकाउंट या फिर आपको सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर आपको कुछ सर्विसेज देते हैं फ्री, और सेविंग्स अकाउंट के अंदर हम आपको सर्विसेज देते हैं पेड। अब मैंने तो उसके अंदर जो भी मतलब बात की है, आप इन कंडीशन को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ये जाहिर है आप अपने हिसाब से इस सारे सिचुएशन को, इस सब को चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई मुलायका नहीं है, कोई इसमें कोई ऐसा ऐसी बात नहीं है कि नॉट पॉसिबल हो या कुछ ऐसा सीन हो, ठीक है। और इसके अलावा मैं मेन इसके साथ जरा वो एक एल्स लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं एक एल्स लगा देता हूँ कि अगर इसके अलावा आपने कोई बात की, ठीक है। मैंने कहा इनवैलिड अकाउंट है, और यहाँ पे भी एक एल्स लगा दो, इनवैलिड एज या यू कैन नॉट ओपन अकाउंट। ठीक है, यू कांट ओपन एन अकाउंट। अब जरा इसको इसको देख लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। दो लेफ्ट फाइव देखना, तो उससे पहले एज पूछेगा। मैंने कहा मेरी एज है 18 से अबव 19, फिर उसने पूछा कि भाई यू कैन ओपन अकाउंट, आप खोल सकते हो। अब आप ये बताओ कि कौन सी टाइप का अकाउंट आप खोलना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने कहा कि करंट, करंट जैसे हम उनसे क्या कि इन करंट अकाउंट वी ऑफर फ्री चेकबुक, के सब कुछ फ्री फ्री कह रहा है, ठीक है। मैं सेविंग्स अगर नहीं यूज करता 20, कहा कि इन सेविंग्स अकाउंट। अच्छा देखियो, मुझे जो था ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक मिनट जरा होल्ड करना है, एक मिनट जरा रुकना है। एक बार जरा वेट करना,
एक मिनट रुकना। ठीक है, ऐसा कह रही है कि ज्वाइन नहीं करवा रही वो। तो देखो यहाँ पे सेविंग्स, ठीक है, तो उसने मुझे सेविंग्स की सारी बातें बता दी। यानी पहले से मुझसे एज पूछी, अगर मेरी एज ही 18 से छोटी होती है ना तो मैं ये मुझे पहले रोक देता 15। ठीक है, एंटर कर देता है, तो मुझे पहले रोक दिया, उसने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। ये ऐसे ही है जैसे बैंक के बाहर बैठा हुआ एक गार्ड, ठीक है, जो कि कह रहा है भाई अपनी एज बताओ। मैंने अगर बता दिया ना कि 18 से कम है, अगर मैंने उससे कह दिया कि मेरी एज 18 से कम है, ठीक है, देन ही विल नॉट लेट मी गेट इन टू द बैंक, मुझे अंदर नहीं जाने देगा। इफ इफ आई टेल हिम दैट आई एम ओवर 18, ठीक है, तो ही विल से कि जस्ट गो इनसाइड, ठीक है, और ही कैन से जस्ट कम इनसाइड। ये मुझे क्या, अंदर आ जाओ, फिर मैं अंदर जाऊंगा, मैं अकाउंटेंट से कहूंगा, ये जो भी अकाउंट पे वो अकाउंट ओपनिंग पे बैठा होगा उससे कहूंगा जी मुझे अकाउंट खुलवाना है। वो कहेगा ठीक है सर, आप कौन से टाइप का अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, करंट टाइप का, सेविंग्स टाइप का, ठीक है। यानी एक कंडीशन मुझसे पूछी गई बार, जब मैंने उसको सेटिस्फाई किया तो फिर मुझे मुझसे और कंडीशन पूछी गई। जब मैं उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा तो फिर मुझसे अगली कंडीशन पे भी नहीं ले जाया जाएगा मुझे, ठीक है। ये कुछ समझ में आया? जैन और अमान, कुछ समझ में आया? ये मुझे एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा जबकि मुझे सेकंड कंडीशन में जाना है, ठीक है। हाँ, अगर मुझे सेकंड कंडीशन में जाना ही नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई किए भी आगे प्रोसीड कर सकता। अभी तक के काम में भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। ठीक है, उम्मीद है मेरी वीडियो स्क्रीन आ रही होगी। मैं एक दो एग्जांपल्स देता हूँ, सही है, और इन एग्जांपल को समझ के मुझे अभी इनका सॉल्यूशन बताना। तो फिर ये करेंगे कि आप लोग घर से इनको ट्राई करना कि एग्जांपल समझ में आती है आपको, नहीं आती, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम है भी या नहीं, ठीक है। इफ एल्स की ही होंगी, मैं बता भी शेयर कर रहा हूँ, आप लोग इनको समझ के इनको मुझे बताना कि समझ में आती है नहीं आती है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और